अभिनेता सलमान खान ने ऋषि कपूर जी के निधन पर एक ट्वीट किया है, चिंटू सर कहां सुना माफ। यह काफी वायरल हो रहा है, पर क्या आप जानते हैं सलमान ने ऋषि कपूर जी से किस बात की माफी मांगी है। दरअसल यह वाकया तब का है जब ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थे। एक पब में सलमान और रणबीर के बीच कहा सुनी हो गई और गुस्से में आकर सलमान ने रणबीर को जड़कर थप्पड़ लगाया। इसके बाद ऋषि कपूर जी ने सीधे सलमान के पापा यानी सलीम खान को फोन किया और उनसे सलमान की शिकायत की, जिसके बाद सलीम खान जी के कहने पर सलमान ने ऋषि कपूर जी के घर पर जाकर उनसे और उनके परिवार से माफी मांगी। पर बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। कतरीना कैफ सलमान के साथ रिलेशनशिप में थी, तभी एक फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात रणबीर कपूर से हुई और कतरीना सलमान से दूर हो गई। सलमान इस बात पर काफी नाराज हुए और उन्होंने ऋषि कपूर के परिवार से दूरियां बनाई। रणबीर और कतरीना लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, यह बात सलमान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। हालांकि फिर इन दोनों का ब्रेकअप हुआ और कतरीना फिर सलमान के पास लौट आई। इसी बीच सोनम कपूर के शादी में पहुंचे ऋषि कपूर को सलमान ने नजरअंदाज कर दिया और बात नहीं की, जिससे गुस्सा ऋषि कपूर ने सलमान की भाभी यानी सोहेल खान की पत्नी को काफी बातें सुना दी, जिससे सलमान और खफा हो गए। ऋषि कपूर और सलमान के बीच की यह दूरियां कभी नहीं मिटी और शायद यही गिल्ट मन में रखते हुए सलमान ने ऋषि कपूर जी के निधन पर यह ट्वीट कर दिया कि चिंटू सर कहां सुना माफ़।